स्वागत है आप सभी का। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रस्तुत पाठ का जो संकल्प सिद्धिदायक पाठ हमारा चला हुआ है, इस पाठ का हम आठवां पाठ करेंगे। पहले सात भागों में हम इसका हिंदी बात कर चुके हैं। अब जो भगवान शिव ब्रह्मचारी का वेश बनाकर पार्वती के पास आए हैं, वो उनको क्या बता रहे हैं, भगवान शिव के बारे में क्या बताते हैं, वो प्रस्तुत भाग में हम पढ़ेंगे, उसका हिंदी अनुवाद करेंगे। वटु वटु का अर्थ है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी कहता है हे तपस्विनी, हे तपस्या करने वाली, अर्थात हे पार्वती, किमर्थम तपः तपसि, किमर्थम किसलिए तपः तपस्या तपसि, तप रही हो अर्थात तपस्या इसलिए कर रही हो। आगे है शिवाय, शिव के लिए। हे तपस्विनी, ब्रह्मचारी कहता है हे तपस्विनी, तपस्या इसलिए कर रही हो शिवाय, शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती पुनः फिर से तूष्णीम चुपचाप तिष्ठति खड़ी रहती है। जो बोल रहे हैं आश्रम का जो ब्रह्मचारी आया है, वो ऐसे भगवान शिव ही है, वो पार्वती की परीक्षा लेने के लिए शिव के विषय में अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, ताकि पार्वती को गुस्सा आए और वो अपने लक्ष्य से भटक जाए। और यह भी जानना चाहता है कि उसके हृदय में, उसके मन में क्या चल रहा है। लेकिन पार्वती अपनी बात पर अड़ी है, पार्वती उसकी बात सुनकर चुपचाप रहती है, खड़ी रहती है। विजया, विजया कहती है जो उसकी सहेली है, आकुली भूये बेचैन होकर, व्याकुल होकर, तस्मै एव तपः तपसि, तपः तपति, उसके लिए ही या उसी के लिए तपस्या कर रही है। अर्थात भगवान शिव के लिए ही पार्वती तपस्या कर रही है। वटु रूपधारी शिव सहसे ऊंचे उपहस्ते, वटु रूपधारी ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए शिव भगवान शिव सहसे अचानक ही ऊंचे जोर से उपहस्ती हंसने लगे। अचानक ही भगवान शिव ब्रह्मचारी का धारण किए हुए भगवान शिव जोर से हंसने लगते हैं। वटु तो ब्रह्मचारी कहता है, क्या कहता है, अई पार्वती, अरे पार्वती या हे पार्वती, सत्यमेव त्वं शिवं प्रति इच्छसि, क्या सत्यमेव सच में भी तुम शिवं शिव को पति इच्छसि, पति रूप में चाहती हो, क्या तुम सच में ही भगवान शिव को या शिव को पति रूप में चाहती हो। उपहसन हंसकर, थोड़ा सा हंसता है और क्या कहता है, नाम्ना शिव अन्यथा अन्यथा अशिव, जो शिव है उनको नाम के ही शिव है, शिव का कल्याण का, अन्यथा अशिव नहीं तो अकल्याणकारी, अर्थात कल्याणकारी नहीं है, वो नाम के ही शिव है, वैसे शिव नहीं है, अर्थात कल्याणकारी नहीं है। शमशाने बस्ती, वो अब उनकी विशेषता बताते हैं, वो कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं इत्यादि। शमशाने बस्ती, वे शमशान घाट में रहते हैं, शमशाने बस्ती शमशान घाट में रहते हैं, निवास करते हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि, यस्य जिसकी त्रीणि तीन नेत्राणि आंखें, जिसकी तीन आंखें हैं, वैसे आमतौर पर लौकिक संसार में दो ही आंखें होती हैं, लेकिन उनकी तीन आंखें। वस्त्र व्याघ्र चर्मन, उनके वस्त्र व्याघ्र, बाघ चर्मन चमड़ी या खाल, उनके जो वस्त्र है वो बाघ की खाल है, अर्थात वो जो अपने वस्त्र पहनते हैं वो बाघ की खाल है, कपड़े नहीं रहते डालते हैं कपड़ों में, जो खाल का प्रयोग नहीं करते। अंगराग चिता भस्म, उनका जो अंगराग है अर्थात शरीर के ऊपर
जो पदार्थ का लेपन करते हैं वो पदार्थ उनका चिता भस्म, चिता की राख है, अर्थात अपने शरीर पर वो चिता की भस्म, चिता की राख वो रगड़ते हैं। परिजनास्तु भूत गणा, परिजन उनके परिवार के सदस्य या उनके जो नौकर चाकर हैं वो भूत गणा भूत हैं, उनके परिजन नौकर चाकर भूत हैं। किम क्या तमेक्षिवम पतिमिच्छसि, क्या उसी शिव को पति रूप में चाहती हो? हम परोक्ष रूप से उसकी बुराई कर रहा है। एक बार फिर से करते हैं इसको, वो तो ब्रह्मचारी कहता है, हे तपस्वी, हे तपस्या करने वाली, किमर्थम तपः तपसि, तपस्या इसलिए कर रही हो शिवाय शिव के लिए। पार्वती पुनः तूषणी तिष्ठति, पार्वती फिर चुपचाप खड़ी रहती है, कहने के बाद भी पार्वती चुपचाप रहती है। विजय कहती है, आकुली हुए है बेचैन होकर, क्या होता है वो हम भाग 9 में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, इसको ध्यान से सुने और इसी आधार पर इस भाग का जो हिंदी अनुवाद है वो अपने नोटबुक में नोट करें। इसी के साथ आज के इस वीडियो लेक्चर का यहीं पर समापन होता है। अगले वीडियो लेक्चर के साथ, अगले भाग के साथ मैं फिर आप सभी बच्चों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। आप सभी